इन दिस व्लॉग में सुबह गई थी सिंगोला मंदिर, तो ये क्लिप्स आपको सामने देखने को मिल जाएंगी। पर अगर आपको डायरेक्ट रैली देखना है तो आप 4 मिनट 5 सेकंड में जाके देख सकते हैं। हेलो विंगर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं और सिया आए थे सिंगोला मंदिर, सुबह सुबह आए थे 4 बजे में भी, 4:30 बजे, और इतना ज़्यादा अंधेरा था तो मैं उस टाइम पे इंट्रो नहीं बना पाई हूँ, तो इंट्रो में बता दी हूँ। अब आके आप वीडियो देखो। ये है मोहरा, और मोहरा से बहुत लोग कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं शिव मंदिर। इसके बाद हम पहुँच गए महाकाल मंदिर। ये क्लिप्स है 4 बजे के पहले की भी, जहाँ पे पहले अभिषेक हो रहा है। अभिषेक करने के बाद भस्म आरती होती है, और ये क्लिप्स मेरे फ्रेंड ने लिया है। भस्म आरती के टाइम पे लड़कियों को पीछे साइड मतलब सर करवा दिया जाता है, या तो नीचे उतार दिया जाता है, क्योंकि भस्म आरती लड़कियाँ नहीं देखती। भस्म आरती के बाद श्रृंगार किया जाता है, और श्रृंगार करने के बाद मेन आरती शुरू होती है। भीड़ है तो आप देख ही सकते हैं। पूजा होने के बाद बाबा को जल चढ़ाना चालू करते हैं, मतलब जो लोग जल लेके आए हों या चढ़ाना हो। इसके बाद फिर हम लोग ने भी जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाया। बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे आ गए। जय श्री महाकाल। जय जय। यही ये रियल वक्त है, द फ्लाई विंग्स। तो गाइस, आज से फ्लाई विंग्स में आपको खुशी मिलेगी कि हम लोग दिखेंगे, क्योंकि हम लोग खरीद लिए चैनल को 50 रुपए में। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये 500 रुपए अभी और दे रहे हैं। दे 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 दे। ये तो मेरा उधारी पास है। इन लोग मंदिर मस्ती कर रहे हैं। मस्ती करने आए, मस्ती फोर मिल गया तो हम लोग मस्ती कर रहे हैं। कौन कर रहा है मस्ती? हो गया ये तू दिख रहा है, वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कौन कर रहा है। ये असली असली यही पूजा करने आए थे, एकदम हाथ वाथ जोड़ के। ये एक साथ पारा शादी में आया था, पोहा गौरव खिला रहा हमारे। बाय बाय मेरे पागल दोस्तों को इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद फिर मैंने आपको सब पहले दिखा चुकी हूँ, और यहाँ पे नीचे टीवी भी लगा है जिसमें आप आराम से लाइव बाबा को नीचे बैठ के देख सकते हैं। अगर ऊपर ज़्यादा भीड़ होगा, महाकाल लोग भी मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ, पर इस बार हम लोग मोहरा भी आए थे, और यू कैन सी दिस व्यू। बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम था, क्योंकि सूरज भगवान अभी अभी आ रहे थे, और नीचे था शिवलिंग, मतलब यहाँ भी शिवलिंग है, पर यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं अंदर नहीं गई। आपको यहीं से दिखा देती हूँ। मोहरा इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया था, मतलब इतना मस्त लग रहा था। फिर यहाँ सब लोग इतने ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि ऑफकोर्स सब कांवड़ लेके जा रहे थे। आप देख ही सकते कितना अच्छा लग रहा था। देन इसके बाद हम लोग थोड़ा नदी के साइड गए, एकदम पास से देखा मोहरा को, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहा था। इसके बाद मैं आ गई घर, और घर आने के बाद सबसे पहले मम्मी और आंटी के साथ गई घर वाले पास वाले मंदिर। यहाँ पे अच्छे से पूजा करने के बाद आ गई घर में सीमा, और सीमा के साथ मैं गई हूँ कॉलेज। क्यों, आगे पता चलेगा। तो मैं कॉलेज आ चुकी हूँ, और रैली में थोड़ा सा लेट जाएंगे, मैं स्टार्टिंग रैली कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आज कोई प्रोग्राम फर्स्ट ईयर वालों हमारे यहाँ सेमेस्टर वाइज हो रहा है, तो उनका प्रोग्राम है जिसमें हम लोग को अटेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब जल्दी से प्रोग्राम अटेंड करेंगे, उसके बाद चलेंगे, तो जो भी होता है बताते हैं। सबसे पहले तो रंगोली बन रहा था, और एक्चुअली में NEP आया है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में प्रोग्राम था। अब हम लोग कॉलेज से निकल रहे हैं, और जल्दी से रेडी होके मिलते हैं रैली में। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अब चलते हैं पालकी में। यहाँ पे मैं चिकली पहुँच चुकी हूँ। आज चिकली से गौरीनगर यात्रा जा रही थी, और यू कैन एंजॉय द यात्रा।
मैं और मेरे दोस्त, और उसको छूते छूते मैं सिया का हेयरस्टाइल बिगाड़ दी थी जो बोल रही थी। इसके बाद आज हमारे शिवजी और पार्वती जी जो बने थे थोड़े से सैड लग रहे थे, मतलब थके थके लग रहे थे एक्चुअल में। इसके बाद गायक भी आए थे, आदि योगी भी बनाए गए थे बहुत ज़्यादा अच्छे से। इसके बाद बाबा को एक मंदिर में ले जाया गया, फिर वहाँ पे आरती करके उनको पालकी में बैठाया गया। वैसे तो बहुत पहले से पालकी स्टार्ट हो गई थी, बट मैं बीच से गई, वहाँ भी मंदिर में बाबा बैठे थे, तो ये वहाँ का क्लिप है। इसके बाद बाबा को पालकी में बैठाया गया और नगर भ्रमण के लिए तो बाबा पहले से निकल चुके थे, पर फिर से एक बार देखते हैं। पालकी में बहुत ही ज़्यादा सही क्राउड था, इवन डॉक्टर रमन भी आए थे बाबा से मिलने। यू कैन सी बाबा ऑरेंज पगड़ी में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड आज थोड़ा हमने भी छम बजा लिया। अगर आप रैली में आते हो और आपको छम बजाना है तो बिल्कुल आपको बजाने के लिए दिया जाता है। बाबा को बहुत सारे जगहों में रोका जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। ये लास्ट प्लेस है जब मैं यात्रा में थी, इसके बाद यात्रा पूरा चिखली को घुमाते हुए गौरीनगर जाता, तो हम लोग डिसाइड किया हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस बार। और अगर आप लोग इस बार नहीं आए तो बिल्कुल आप नेक्स्ट टाइम आइएगा फोर सोमवार में। इसके बाद मैंने किया मेरे दोस्तों को बाय बाय। मैं रैली से आ चुकी हूँ घर, और फर्स्ट रैली से सेकंड रैली में भीड़ थी, सेकंड से थर्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो ऑल ओवर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा ये सावन सोमवार, और अब आगे मैं अपना वही फल वल खाऊंगी और फिर ये व्लॉग अब मैं खत्म करती हूँ। सो बाय बाय विंगर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ आप इस सोमवार भी नहीं आए थे। कोई बात नहीं, अभी फोर्थ सोमवार और फिफ्थ सोमवार बचा है, तो मिलते हैं। बाय बाय।